हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये हमारी किचन गार्डन से लौकी ली है। देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर दिख रही है ये, और ये बनाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसे डेट और पील करेंगे, इसको छीलेंगे हम। ये देखिए हमारी पूरी लौकी छिल चुकी है। अब हम इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। आप इन्हें कोई भी साइज़ में ले सकते हैं, छोटे मोटे जैसा आपको पसंद है। इस तरीके से पूरी लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी और कितनी बारीक बारीक है। अब हम इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे रेड चिल्ली और गार्लिक का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया लिया है। 1 पिंच हमने हींग लिया है, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसकी अच्छे से छोटी छोटी बॉल्स बना के रखेंगे, जिससे कि हमें बाद में परेशानी ना हो बनाने में। इसी तरीके से सारी बॉल्स बना कर रख लेंगे हम। ये देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। आप तेल कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें लौकी की बॉल्स डालेंगे। इसी तरीके से पकने दें, और धीरे धीरे चक्कू या किसी चम्मच के सहायता से इसे पलटेंगे। हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं, जिससे कि हमारी बहुत क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। देखिए जो हमारे कोफ्ते हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस इसी तरीके से ही बनाना है। रंग निकाल लेंगे। आप किसी टिश्यू पेपर पे इन्हें निकालें, जिससे कि इनका जो ऑयल है वो निकल जाए। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। हम इसे चक्कू की सहायता से पलटेंगे। आप चम्मच भी ले सकते हैं।
देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरीके हम बाकी के बचे हुए भी निकाल लेंगे, बना लेंगे। देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया ये भी वेट कर रही है कोफ्तों के लिए। ये हमारे कोफ्ते तैयार है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरे कोफ्ते बना लीजिए। देखिए क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं, अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं गरम गरम। आप चाहे तो इसे चटनी सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यह मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। देखिए हमारे दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं, इन्हें टेस्ट कराते हैं। देखिए इसे बहुत टेस्टी लगे हैं ये। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब